आज जो ये आपके सामने न्यू टॉपिक दिख रहा है ये एल्डिहाइड और कीटोन है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है। ज़्यादातर इसमें से जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो सारे हम कवर करते हुए चलेंगे। ज़्यादा इसमें क्या पूछा जाता है, अगर इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन उठता है तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नोमेनक्लेचर मीन्स आईपैक नेम। जो हम इसमें तीन टॉपिक आपको बताएंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोमेनक्लेचर सीखेंगे, फिर इसके कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिसकी आईपैक और सिंपल दोनों ही नेम आपको पता होने चाहिए। तीसरा मेथड होता है कि इसके नोमेनक्लेचर में इसका सफिक्स क्या ऐड होता है। चौथा आपको इसमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन क्या होते हैं। थर्ड टर्म जो है वो आपको पता होना चाहिए अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन क्या होते हैं। ये चार टॉपिक जो है ये आपको पहले से अगर कहीं ना कहीं माइंड में सेट है तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं सेट है तब भी कोई बात नहीं है, हम स्टार्टिंग से ही करते हुए चलते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ रहे हैं, दो अलग अलग कंपाउंड है पर पढ़ दोनों को इसलिए एक साथ रहे हैं क्योंकि दोनों में जो फंक्शनल ग्रुप है वो सेम है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें, कार्बोनिल ग्रुप। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, फंक्शनल ग्रुप वो होता है कि जिस पे किसी कंपाउंड की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है उसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब ये हुआ कार्बोनिल कंपाउंड, ये भी कार्बोनिल कंपाउंड। अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। अंतर क्या है कि एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो प्राइमरी कार्बन जैसा बिहेव करता है, जबकि कीटोन का जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो सेकेंडरी कार्बन जैसा बिहेव करता है। यानी इसमें एक हाइड्रोजन अटैच होता है, अगर आप जान लीजिए तो इसमें होता है सी एच ओ ग्रुप और इसमें सी ओ ओ ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे सेकेंडरी और प्राइमरी समझेंगे। सेकेंडरी प्राइमरी क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन लिख दिया। अच्छा, आपको ये पता है कि अगर सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है तो एल्केन बोलते हैं, डबल बॉन्डेड है तो देन एल्केन एंड ट्रिपल बॉन्डेड देन से एल्काइन। ये तो सबको पता है, वहाँ पे भी हाइड्रोकार्बन को काउंटिंग सिखाई गई थी। देखेंगे, मैंने एक वीडियो इसके पहले डाल रखा है, उसमें है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कंपाउंड। देखिए मैंने कोई एग्जांपल लिख दिया सिर्फ आपको समझने के लिए, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो इस कार्बन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है। अगर कोई ऐसा कार्बन जो ओनली वन कार्बन से अटैच है उसी को बोलते हैं बॉन्डेड। दो से अटैच है तो इसको बोला टू डिग्री, और ये थ्री से अटैच है तो इसलिए ये कार्बन हो गया थ्री। इसी को बोलते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। तो यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि एल्डिहाइड का कार्बन प्राइमरी कार्बन जैसा बिहेव करता है, कीटोन का सेकेंडरी। नेक्स्ट हमने क्या बताया कि नेक्स्ट टॉपिक में पहले हम सीखेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्या है, उसके बाद हम नोमेनक्लेचर देखेंगे। और नोमेनक्लेचर में क्या होता है कि जब भी कीटोन का नोमेनक्लेचर करते हैं तो ऐड करते ओन, एल्डिहाइड का होता है तो लास्ट सफिक्स होता है अल, जैसे फर्स्ट मेंबर मैंने लिख दिया एच सी एच ओ। अब जब किसी में वन कार्बन होता है तो मेथ बोलते हैं, दो होता है तो एट, थ्री होता है तो प्रोप, ऐसे ही चलता रहता है प्रोसेस। अब वन है तो मेथ हो गया, अब मेथ और क्योंकि ये सी ओ ग्रुप है कार्बोनिल तो मेथेनल, कौन सा सफिक्स ऐड हुआ, मेथेनल। देखिए कभी मेथेनॉल मत करके आइएगा कि मेथेनॉल, स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ऑल कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए होता है, जैसे सी एस थ्री ओ एच के लिए ये टर्म्स करेक्ट है। एसीटोन की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसका मैंने बोला है कि सिंपल नेम भी लर्न हो, जैसे सी एस थ्री सी एच ओ, इसको बोलते हैं सिंपली एसीटैल्डिहाइड, इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेलिन सॉल्यूशन होता है जो हम लैब में यूज करते हैं किसी मटेरियल को कुछ समय तक के लिए रखने के लिए, जैसे आपने देखा होगा ना बायोलॉजी के प्रैक्टिकल में कि कुछ लिक्विड में कुछ एनिमल्स रखे होते हैं वो फॉर्मेलिन होता है। ठीक है, यही फॉर्मेलिन होता है। ये हो गया एसीटैल्डिहाइड। कीटोन का जो सिंपलेस्ट है उसको बोलते हैं एसीटोन। ठीक है, इसको डाई मिथाइल कीटोन भी बोलते हैं एसीटोन के साथ साथ। अगर ऐसे टर्म्स हैं पर सिंपल नेम में, आईपीएस नेम में भी कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी सिंपल नेम और आईपीएस ही सारे दे देते हैं। ये हमारा हो गया बेंजोफिनोन।
जैसे ये हो गया बेंजल डिहाइड C6H5CHO और ये C6H5 को रिंग बना लेते हैं। कुछ चीजें सिंपल नेम में भी पता हो, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन तो बिल्कुल ही पता हो, एसीटोन को ही बोलते हैं डाइमिथाइल कीटोन। कुछ सिंपल नेम में भी हमको पहचानना आना चाहिए। अब नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, एक दो बस एक दो के साथ ही चलते हैं क्योंकि टॉपिक हमारा है अल्फा हाइड्रोजन पहचानना और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन को पढ़ना। तो ये मान लीजिए कुछ मैं ऐसी स्टेप लिखती थी, देखिए एक चीज आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे स्टर भी यूज करिए चाहे स्टर भी यूज करिए, कि कार्बन नंबर वन हमेशा वही होता है जहां से फंक्शनल ग्रुप बहुत ही नियरेस्ट हो। तो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ही वन हो गया, 1 2 3 तो हम बोलते हैं प्रोपेनल। अगर यही पे ये ना जुड़ के CH3 होता फिर इसका नॉमिनेचर चेंज हो जाता, ये कार्बन नंबर 1 होता, ये 2 होता, ये 3 होता, ये 4 होता, तो इसको बोलते हैं ब्यूटेनोन 2 या 2 ब्यूटेनोन, या कहीं कहीं आपको मिलेगा ब्यूट 2 ओन, सारे ही सही है क्योंकि वो सिर्फ जानना चाहता है कि इसमें कौन सा मेन, यही है IUPAC का कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सफिक्स कौन सा यूज होना है और काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट की है। किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम करते समय हमेशा ये बात ध्यान रखेंगे, उसका सफिक्स लर्न होना चाहिए, उसमें क्या है, कौन सा कंपाउंड है, कैसा फंक्शनल ग्रुप है, ये सब जो अरेंजमेंट है ये सब आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। बाद हमने कहा था कि आप सीखेंगे, अच्छा ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जनरली जान लेते हैं कि हमेशा एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करते हैं, जब भी एल्कोहल ऑक्सीडाइज्ड होगा इसमें कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनिल, एक बहुत इंपॉर्टेंट है एसिडिफाइड K2Cr पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिफाइड आर एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, इसके प्रेजेंस में जब भी ऑक्सीडेशन होगा प्राइमरी एल्कोहल हमेशा एसिड में कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकेंडरी एल्कोहल हमेशा कीटोन देगा और टर्शियरी एल्कोहल कोई भी रिएक्शन नहीं देंगे। ठीक है, ये समझ में आया, जहाँ भी ये रिएजेंट होगा सीधे ही कीटोन में कन्वर्ट कर देना है अगर वो सेकेंडरी अल्कोहल है तो। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, जो अभी मैं इसको डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, अगर आपको अच्छा लगेगा तो डिटेल का भी टॉपिक मांगिएगा अभी, इसलिए कि जो क्वेश्चन मोस्टली इम्पॉर्टेंट है जो उठते हैं कॉम्पिटिटिव में या जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं उसको करते हैं, जो ज़्यादा आता है वो आ जाता है एल्डोल, ये मस्ट आता है। ये अगर बोर्ड की बात करेंगे ICSE हो CBSE हो UP हो कोई भी बोर्ड हो, अगर एल्डिहाइड से क्वेश्चन उठा है तो ये इम्पॉसिबल है कि एल्डोल और कंडेंसेशन रिएक्शन से क्वेश्चन ना उठे हों। इसके अभी ये जानने के लिए जानिए कि ये हो गया एल्डोल, एल्डोल में लेते हैं हमेशा डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसमें यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन बेयरिंग कंपाउंड हो, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हो, इसमें एक टाइप से कॉपलिंग रिएक्शन होती है और ये होता है रेडॉक्स रिएक्शन। ये कॉपलिंग रिएक्शन होता है, ये रेडॉक्स रिएक्शन होता है, पहले ये डिफरेंसेस ऐसे नोट करेंगे फिर मैं आपको बता रही हूँ एग्जांपल के साथ जो आपको डिटेल में समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्ट अटैच्ड है उसी कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा
कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन अटैच होता है उसी को बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। जैसे इसमें अगर रिएक्शन दे दिया गया डाइल्यूट NaOH और पूछ लेते हैं रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, तो आप करेंगे हाँ, सबसे पहले आप देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं, तब ये रिएक्शन पॉसिबल है। और यहीं पे अगर कॉन्सेंट्रेट NaOH दे देंगे तो आप तुरंत रिएक्शन को कट करेंगे क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। कपलिंग रिएक्शन होती है इसमें, और जैसे ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया, अब यहाँ पे तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है ना, तो फिर ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया कॉन्सेंट्रेट NaOH और इसको किया हीट, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन की बात की गई है। रिडॉक्स का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जहाँ पे रिडक्शन भी हो एज वेल एज ऑक्सीडेशन। तो क्या होता है कि एक मोल रिड्यूस्ड होता है जब एल्डिहाइड रिड्यूस्ड होता है तो एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, एक मोल इसका रिड्यूस्ड होता है जबकि दूसरा इसका क्या हो जाता है ऑक्सीडाइज हो जाता है और सोडियम सॉल्ट बनता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक आपने और भी रिएक्शन पढ़ा था, इसको हम नेक्स्ट में पढ़ाएंगे, आयरोफॉर्म रिएक्शन। यहाँ पे भी सारा रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन पे ही डिपेंड था, क्योंकि उस क्वेश्चन में पूछता है कि एथाइल एल्कोहल रिएक्शन देता है, एथाइल एल्कोहल आयरोफॉर्म देता है जबकि मिथाइल नहीं देता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन होते हैं। एल्डोल और कैनिजारो, इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिजारो रिएक्शन। अच्छे से समझ लीजिए, अल्फा हाइड्रोजन बेयरिंग एल्डिहाइड जो कंपाउंड होगा वो हमेशा कपलिंग रिएक्शन देगा, एल्डोल कंडेंसेशन करेगा डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है एज लाइक फॉर्मल्डिहाइड तो वो कॉन्सेंट्रेट NaOH के प्रेजेंस में हीट होगा और दो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, एक रिड्यूस्ड हो जाएगा एल्कोहल में और दूसरा एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।